साथ सब गांव के बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आप सब ने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी पंचायत में कई बार आने का मौका मिला, दोबारा आप लोगों से मिलने के लिए, पंचायत में गांव में कामों के विकास की गति देखने के लिए, आपके आवेदन लेने के लिए और जो भी क्षेत्र की दिक्कत समस्या है उनको सुनने के लिए आज हमने दौरा रखा था। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने हमेशा की तरह सब लोगों ने मिलकर अच्छा माहौल गाँव पंचायत में बना रखा है। आप सब देख रहे हो, एक साल हो गया सरकार को बने, जैसा रामबला जी ने कहा कि सरकार का जो पहला साल होता है वो हमेशा जनता को इस बात की कोशिश जनता करती है कि हमारी जो उम्मीदें हैं जिसके कारण हमें सरकार बनाई है, किन उम्मीदों पर हम लोग खरा कर पाए कि नहीं कर पाए। और 12 महीने आज हो गए, ठीक है बीच में लोकसभा का चुनाव आया, उपचुनाव आया, लेकिन बहुमत की सरकार बनने के बाद इन 12 महीनों में जिन मुद्दों को उठाकर भाजपा ने सरकार बनाई थी, वो रोजगार के थे, नौजवानों के थे, किसान के थे और कानून व्यवस्था के थे। इन सभी मुद्दों पर पिछले 12 महीने मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हो, प्रदेश सरकार का जो रवैया रहा है, आए दिन प्रदेश में कोई ना कोई घटना होती है, लाखों रोजगारों का वादा सदन के अंदर सरकार कर चुकी है और पूरे प्रदेश ने पता किया है, कल परसों अगला हफ्ता अगला महीना ये सरकार बाधक डालती चली जा रही है। और मुझे आश्चर्य है कि केंद्र की सरकार, अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अगले 10-5 दिनों में, और एआरसीपी का बाकी परियोजना का जो मैंने देखा अखबारों में उसको शुरुआत करना चाहते हैं। आज तक राजस्थान की जनता को ये नहीं पता कि जो समझौता किया है मध्य प्रदेश के साथ, उसमें कितना पानी हमारे हक का हमको मिल रहा है और कितना पानी हमने उनके लिए छोड़ दिया, आज तक किसी को नहीं पता। जो हस्ताक्षर किए सरकार ने वो कस्टोडियन है हमारे प्रदेश की जनता है, उसका सरकार की जिम्मेदारी होती है पारदर्शी तरीके से काम करना। अब क्योंकि सरकार बीजेपी की मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, केंद्र में भी है, तो आपस में बैठ के उन्होंने जो समझौता किया है उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, तो बेहतर ये होता कि जनता के सामने सच्चाई प्रस्तुत करते और बताते कि ये व्यवस्था है, ये हमने हस्ताक्षर किए हैं, इतना पानी हमारे को फसल के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, उद्योग के लिए मिलेगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। देश भर के किसान इन मांग को कर रहे हैं कि फसल पर समर्थन मूल्य होना चाहिए। आज भी दिल्ली में लगातार हजारों लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका सरकार के पास कोई समाधान नहीं। एक चीज सरकार आराम से होने देती है, मंदिर मस्जिद इसको खोद दो, उसका पता करा दो। ये कौन वो ताकते हैं जो देश में स्थापित कानून है, 1991 कानून बन गया था और एक कांग्रेस का नहीं था, पूरे सदन ने, देश की संसद ने ये कानून पारित किया था कि 15 अगस्त 1947 में जो जहां पर जिसका है वो वैसे ही रहेगा, इसको खोदो वो निकलेगा, उसको खोदो वो निकलेगा, यहाँ टावर डोल रहे हैं, इनको नौकरी मिल रही है बच्चों को और इनको खुदाई की लग रही है।